देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू किया जाना वर्तमान में मौजूद बीएड डिग्री धारकों और भावी शिक्षकों के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है इस कथन का आधार। माय फर्स्ट पॉइंट इज कि अब केवल बीएड डिग्री की अनिवार्यता, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है, जिसके अंतर्गत टीचर्स वैकेंसी बीटीसी डीएलएड के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसी के रिगार्डिंग अच्छी खबर आई है कि नई शिक्षा नीति के तहत साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी, जो 4 साल की होगी। साथ ही शिक्षक बनने के लिए अब केवल बीएड डिग्री की ही आवश्यकता होगी और जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नियमों में प्रमुख है, और ये व्यवस्था अगले 2 सालों के भीतर ही लागू करने के भी आदेश दिए गए हैं। ज्ञान और डिग्री की असमानता नहीं, कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि जब बीएड 1 वर्षीय था या 2 वर्षीय था, कैंडिडेट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब बीएड करता है तो दोनों का लेवल सेम हो जाता है। दोनों के ज्ञान और नॉलेज में कमी अवश्य होती है, लेकिन उनका जो डिग्री प्राप्ति का जो तरीका है वो सेम रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस टू का भी ढांचा चेंज हो चुका है, तो प्लस टू करते करते कैंडिडेट को कंफर्म होगा कि अब भविष्य में उसे क्या करना है। ग्रेजुएशन और बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसा कि हम जानते हैं, 4 वर्षीय होगा, जो आफ्टर 12th कंडक्ट होगा। आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल का होगा और आफ्टर पीजी 1 साल का होगा। तो दैट्स मीन कि जैसा कैंडिडेट होगा उसी के समान, उसी के अनुरूप बीएड प्रशिक्षण की भी व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट इज शिक्षक पात्रता परीक्षा, दैट्स मीन टेट ऑब्लिक सी टेट की एक रूपता। जैसा कि हम जानते हैं कि टेट ऑब्लिक सी टेट परीक्षा 2 लेवल की होती है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये परीक्षा एक समान होगी और एक ही परीक्षा से शिक्षा के, स्कूली शिक्षा के सभी भागों में नौकरी करने के समान अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि अब स्कूल शिक्षा 4 भागों में डिवाइड होगी, तब उन्हें सभी लेवल्स के अंदर, कैंडिडेट्स को सभी लेवल्स के अंदर नौकरी करने की समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बीएड योग्यता की भी अनिवार्यता बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब भविष्य की चिंता नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 4 वर्षीय डिग्री की अनिवार्यता होगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहले से जो डिग्री धारक है या ऑलरेडी जो अध्यापक बन चुके हैं, उनकी डिग्री की वैलिडिटी एज इज इट बनी रहेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि सभी प्रकार की टीचर वैकेंसी में मौका। तो आगे आने वाली सभी राज्यों की, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी वैकेंसीज निकलेगी, उनमें बीएड वालों को सीधे शामिल होने के लिए परमिटेड किया जाएगा। और जी हाँ, ये नई शिक्षा नीति और एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुरूप ही होगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब सभी तरह के जो टीचर्स हैं या भावी टीचर्स हैं, लेवल फर्स्ट वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जो पूर्व के जो बीएड अभ्यर्थी हैं, उनकी पात्रता तभी एक्सेप्ट होगी जब वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। फर्स्ट में सबसे उल्लेखनीय बात मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू और डेमो का विरोध हो रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केबीएस में ऐसा प्रावधान पहले से ही है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे ये व्यक्तिगत विचार बहुत पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।